नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत। आप देख रहे हैं जे टॉक्स मैनिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। श्रीलंका भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 1948 भारत से ठीक एक वर्ष बाद ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था श्रीलंका, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस के इन 74 वर्षों के अभी तक के सबसे बुरे आर्थिक दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और इन्फ्लेशन रेट 17% तक पहुँच गया है। वहीं श्रीलंका में रिसोर्सेज की भारी दिक्कत हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, राशन, मेडिसिन और पेपर जैसी मूलभूत आवश्यक चीज़ों की भारी कमी श्रीलंका में देखी जा रही है। अभी आलम यह है कि श्रीलंका में अभी सिर्फ 5 घंटे भी लाइट नहीं आ पा रही है और पेपर्स की कमी की वजह से श्रीलंका में एग्जाम्स तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा। और वहीं खाने पीने की चीज़ों में भी बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। 1 कप चाय के लिए 100 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं और वही खाने पीने की कुछ इसेंशियल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। दूध 285 रुपये लीटर, टमाटर 300 रुपये किलो, आलू 215 रुपये किलो और चावल 500 रुपये किलो तक श्रीलंका में भी बिक रहा है। इसके अलावा हाउसिंग, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल केयर और एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों को अफोर्ड करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। श्रीलंका में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना महंगा हो चुका है कि एक आदमी का एक महीने का एस्टिमेटेड लिविंग कॉस्ट लगभग 1,40,000 तक पहुँच गया है। अभी श्रीलंका में अभी हालात ये है कि लोगों के पास पैसा हो के भी वह सिर्फ कागज़ का एक रद्दी टुकड़ा बन के रह गया है। और आयरनी देखिए कि श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास अभी इतना पैसा भी नहीं बचा है कि वह अपने लोगों के लिए ज़रूरी सामान इंपोर्ट कर सके। उसका रीज़न यह है कि श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $2.31 बिलियन ही रह गया है, जिससे सिर्फ श्रीलंका के लोगों के लिए 15-20 दिनों का सामान ही खरीदा जा सकता है। हाल के सालों में श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व में भारी गिरावट आई है। लगभग 70% तक श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व गिरा है अभी के सालों में। 2022 में श्रीलंका पे $7 बिलियन का भारी विदेशी कर्ज है और साथ ही श्रीलंका की करेंसी भी बहुत नीचे गिरती जा रही है। श्रीलंका को $1 परचेज करने के लिए अभी 294 रुपये से 300 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इन सब के बीच लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है श्रीलंका में। लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों पे, सरकार को कोस रहे हैं। लोगों ने प्रेसिडेंट पैलेस तक का घेराव किया था। उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट को यूज़ आर्मी डिप्लॉयमेंट करना पड़ा था लोगों को काबू करने के लिए। लेकिन श्रीलंका की इस दुर्दशा का कारण क्या है, वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से श्रीलंका में इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है? इसमें कोई एक रीज़न नहीं है बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से श्रीलंका में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है। इससे पहले कि हम रीजंस जानें, थोड़ा श्रीलंका की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका पूरे दुनिया में 122वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। श्रीलंका का क्षेत्रफल अभी 65,610 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका की पॉपुलेशन सिर्फ 2.25 करोड़ है और जीडीपी वाइज श्रीलंका 113वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। श्रीलंका मेनली अपनी सर्विस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है और श्रीलंका अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा सामान 3 देशों से खरीदता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सामान वो चाइना से खरीदता है, जिसमें चाइना की भागीदारी लगभग 23% तक है। उसके बाद भारत से 19% सामान श्रीलंका इंपोर्ट करता है और उसके बाद यूएई से सबसे ज़्यादा सामान श्रीलंका इंपोर्ट करता है। अब वो रीज़न समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से श्रीलंका में इतना बड़ा डाउनफॉल होना शुरू हुआ। इसका सबसे पहला रीज़न रहा है श्रीलंका की टूरिज़्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल। श्रीलंका टूरिज़्म के लिहाज से वन ऑफ़ द मोस्ट डिज़ायरेबल डेस्टिनेशन प्लेस रहा है पूरी दुनिया के टूरिस्टों के लिए। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज़्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लगभग 12-14% तक है। 2018 तक टूरिज़्म के लिहाज से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत भारी संख्या में सैलानी श्रीलंका में विजिट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई श्रीलंका में जिससे टूरिज़्म इंडस्ट्री लड़खड़ा गई। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में 6 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे जिसमें लगभग 270 लोग मारे गए थे। अब इससे श्रीलंका में एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया और जिसकी वजह से श्रीलंका की टूरिज़्म इंडस्ट्री की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद कई सारे कंट्रीज़ ने श्रीलंका को एक रेड जोन घोषित कर दिया अपने टूरिस्टों के लिए और श्रीलंका में विजिट ना करने की हिदायत दी, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी की रीढ़ कही जाने वाली टूरिज़्म इंडस्ट्री गिरने लगी। और उसके बाद बची कुछ कसर 2019 के कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से श्रीलंका की टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी तरह से चौपट हो गई। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का जो दूसरा बड़ा रीज़न रहा वो था करों में कटौती यानी टैक्स डिडक्शन। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व में जब श्रीलंका में सरकार बनी तो उन्होंने टैक्स में भारी छूट देनी शुरू करी, जिससे श्रीलंका के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भारी कमी आ गई थी। अब इससे ये हुआ कि सरकारी संस्थानों की हालत बिगड़ने लगी, सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो अपने एम्प्लॉई को पैसा दे सके। इस पूरे सरकारी खर्च को कवर करने के लिए श्रीलंका की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत भारी मात्रा में करेंसी छापना शुरू करा।
लेकिन करेंसी छापने से कोई इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होती, बल्कि उससे इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही सब कुछ श्रीलंका में हुआ था। जब करेंसी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई तो श्रीलंका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का तीसरा बड़ा रीज़न ये रहा था कि अप्रैल 2021 में गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ पे टोटली बैन लगा दिया था। उन्होंने श्रीलंका में सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करने की परमिशन दी थी, जिससे किसानों को मॉडर्न खेती के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक खेती 10 गुना तक महंगी पड़ने लगी और किसानों की उपज आधी होकर रह गई थी। इस निर्णय के 6 महीनों के अंतर्गत ही सितंबर 2021 तक श्रीलंका के कृषि उत्पादन में 50% तक की गिरावट दर्ज करी गई। चाय के प्रोडक्शन में गिरावट की वजह से श्रीलंका को $450 मिलियन का आर्थिक नुकसान सहना पड़ा था। और वही इस निर्णय के 6 महीनों के अंतर्गत ही चावल के उत्पादन में भी 20% तक की गिरावट दर्ज करी गई। एक समय पर जब श्रीलंका ने चावल के उत्पादन में एक आत्मनिर्भरता हासिल करी थी, लेकिन इस डिसीजन ने उसको उलट कर रख दिया और श्रीलंका को $450 मिलियन का चावल इम्पोर्ट करना पड़ा। ओवरऑल इस डिसीजन ने श्रीलंका में फूड क्राइसिस पैदा कर दिए थे, जिससे श्रीलंका की हालत और बिगड़ने लगी। और इसका चौथा रीज़न रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने श्रीलंका में आर्थिक आपदा को और बढ़ा दिया, क्योंकि रूस चाय निर्यात में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र भी इन्हीं दो देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसलिए यूक्रेन के संकट ने श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ा दिया, जिससे श्रीलंका का चाय निर्यात और पर्यटन दोनों अवरुद्ध हो गया। श्रीलंका के क्राइसिस का पांचवा जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो है चीन का आर्थिक कर्ज। 2012 से लेकर 2016 तक श्रीलंका में FDI में जो निवेश किया था उसमें चीन की भागीदारी 30% तक थी। चीन अभी श्रीलंका में $11 अरब की लागत से छोटी और बड़ी परियोजनाओं में पैसा लगाया, जिसमें हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो सिटी पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा चीन श्रीलंका में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, सड़कें बना रहा है और बिजली संयंत्र जैसे अनेक परियोजनाओं में चीन ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। श्रीलंका भी चीन के भारी कर्ज में फंस चुका है। जहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक 2 से 3% के ब्याज दरों पर कर्ज देता है, वही चीन अभी 6 से 6.25% ब्याज दरों पर कर्ज दे रहा है, जिससे श्रीलंका पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 में श्रीलंका ने अपने टोटल रेवेन्यू का 83% सिर्फ ब्याज को चुकाने में दिया था। श्रीलंका पर चीन के कर्ज का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हाल ही में जब श्रीलंका चीन के भारी कर्ज को नहीं चुका पाया था, तो श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी तक के टोटल कंक्लूजन पे आए तो यही कुछ मोटे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से श्रीलंका में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है, फूड क्राइसिस पैदा हुआ है। इसमें श्रीलंका की मौजूदा सरकार भी हद तक जिम्मेदार है। समय समय पर सरकार द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी गिरती गई और श्रीलंका में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया। और भारत अपनी तरफ से श्रीलंका की पूरी मदद कर रहा है। भारत की तरफ से श्रीलंका को अभी 40,000 मैट्रिक टन डीजल, 40,000 टन चावल की खेप पहुंचाई गई है। और वहीं भारत ने श्रीलंका के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर सिग्नेचर करें। बहरहाल हम सारे भारतीय यही उम्मीद करेंगे कि श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जल्दी उभरेगा और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जल्दी ही पटरी पर लौटेगी और श्रीलंका में सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।